आखिरी परफॉर्मर है सातारा से राधिका माने। सीरियल तारा फ्रॉम सितारा में होने वाला है डांस कंपटीशन। हर कोई स्टेज पर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन ये देखिए डांस की दीवानी तारा यहाँ अजब गजब अंदाज में नजर आ रही हैं। जी हाँ, डांस परफॉर्मेंस देने की जगह तारा यहाँ हाथ में झाड़ू लिए स्टेज पर नजर आ रही हैं। क्योंकि मैं वॉलंटियर हूँ तो मेरा काम है काम करना, तो आई एम नॉट अ डांसर राइट नाउ, आई एम नॉट अ कंटेस्टेंट, तो मैं ये सब कर रही हूँ। और हद तो तब हो गई जब तारा को स्टेज पर से ही भगा दिया गया। अब भाई स्टेज तो कंटेस्टेंट्स के लिए होता है, ऐसे में लोगों का कहना है कि तारा वहाँ क्या कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या स्टेज पर तारा डांस परफॉर्मेंस देंगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़। कुछ तो है जो आपको देखना पड़ेगा और मुझे उसके लिए डांस सीखना पड़ेगा, तो टाइम है। ये तो हुई तारा के डांस परफॉर्मेंस की बात। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि क्लासिकल डांसर और पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की भी हो गई है शो में एंट्री, जो इस डांस कंपटीशन को जज करने वाली हैं। तारा फ्रॉम सितारा हैज बीन माय फेवरेट शो फ्रॉम डे वन, जब मैं नहीं जुड़ी थी तब से, बिकॉज एक वो डांस बेस्ड शो है, सेकंड पहली बार मैं सोनी टीवी पे आ रही हूँ, मतलब इतना लंबा करियर रहा है टेलीविजन में पर सोनी टीवी पर कुछ खास करने का मुझे मौका नहीं मिला। सो दीज आर माय टू एक्साइटमेंट पॉइंट्स। एंड थर्ड, आई एम प्लेइंग अ जज, क्लासिकल डांसर जो एक कंटेस्टेंट्स को जज करेगी। एंड दिस कैरेक्टर आई वुड पर्सनली से इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय गीता माँ, मतलब मैं गीता माँ को अपना आइडल बना के चल रही हूँ, बिकॉज वो एक माँ भी है, एक दोस्त भी है, एक फिलोसोफर भी है, गाइड भी करती है और इस जर्नी को उनके साथ तय करती है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सुधा जी, आपका डांस से पुराना नाता रहा है, ऐसे में ये तो बताइए कि शो में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। वेल बेसिकली इट इज़ बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, तो उसमें तो वैसे स्क्रिप्टेड है ही, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एन एक्चुअल रियलिटी शो, क्योंकि अगर असली रियलिटी शो होता तो मेरे थॉट्स होते, बट नेवरदलेस जो स्क्रिप्ट्स भी लिखे गए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है। शी कम्स अक्रॉस वेरी स्टर्न, लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ही रूड है, पर वो बात नहीं है। शी डजंट मिंस वर्ड्स, जो ये कैरेक्टर है श्रीलेखा अय्यंगर, वो वर्ड्स मिंस नहीं करती, शी कॉल्स स्पेड अ स्पेड, तो वो मैं कहूँगी दैट इज़ सरोजी, बिकॉज हम कितना भी अच्छा करें मैडम बोलते हैं ये सही नहीं, तो सही नहीं है, हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है बट वो बात नहीं है, बिकॉज शी इज़ गॉट दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो हमें गाइड करती है। सो दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ ब्लेंड ऑफ सरोजी, बट बहुत प्रेज भी करती है, जब कोई बहुत अच्छा करता है तो वो बहुत प्रेज करती है, और अगर बिलो लेवल परफॉर्मेंस है तो वो झूठ नहीं बोलती, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर हम झूठ बोलेंगे एज जजेस आप अपने परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, सो दैट इज द क्राइटेरिया। वैसे आपका शो में लुक भी काफी डिफरेंट रखा गया है, जरा अपने लुक के बारे में तो बता दीजिए। मैं खुद ही अपने आप को 10 बार मिरर में देखती हूँ कि क्या ये तू ही है, ये तू ही है, जब देखो साड़ियाँ पहनती हूँ, साड़ियों में ट्रेंड्स लेकर आती हूँ ज्वेलरी में, सो दिस इज़ सो नाइस कि इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ वेरी मच मी, जो मैं हूँ, और अच्छा लग रहा है बिकॉज इस फेज पे आने के बाद कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मन कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गॉट। ये इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल अंगरखा विद अ ब्यूटीफुल केप, ये केप भी बहुत खूबसूरत है, एंड मेरा यही मानना है कि आपके इतने साल टेलीविजन में रहने के बाद या इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, इस उम्र में आने के बाद, जब आप, इट्स अ वेरी थिन लाइन, आप कुछ गलत करोगे या अलग गलत ड्रेस पहनोगे ना, तो लोगों के इमीडिएटली क्रिटिसिज्म आते हैं कि प्ले योर एज, सो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइनिंग की गई है, वेयर आई हैव टू लुक नाइस ब्यूटिफुल एंड क्लासिक। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या तारा अपनी डांस परफॉर्मेंस दे पाएगी और क्या जजेस का दिल जीतने में तारा हो पाएगी कामयाब या फिर शो में आएगा कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।